जनता की सेवा करना और सनातन को आगे बढ़ाना। सालों साल कोर्ट में बैठ करके जमाई की तरह रोटियां नहीं तोड़ेंगे कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का अंजाम क्या होना। हरियाणा के अंदर या भारत के अंदर कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारी बहन बेटियों को ऊंची आंख करके देखता है या उनके साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्वर्ताव करता है या बलात्कार की अगर कोई घटना ऐसी बनती है तो उसके आरोपी को पुलिस में जाने से पहले ही निपटा देना चाहिए, ताकि एक उदाहरण देश में जाए कि ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का अंजाम क्या होना चाहिए, उन्हें दंड क्या मिलना चाहिए। जिस दिन जनता ऐसे लोगों को दंड देने लगेगी तो ये सालों साल कोर्ट में बैठ करके जमाई की तरह रोटियां नहीं तोड़ेंगे और हमारे युवा जो होंगे वो अन्यों को प्रेरणा मिलेगी कि इस तरह के कार्य करने के क्या परिणाम होते हैं। नवीन भाई, जिस प्रकार पहले आप आम आदमी पार्टी में थे तो उसको छोड़ने का क्या कारण रहा, और जिस प्रकार आपने बीजेपी ज्वाइन की है तो कहीं ना कहीं वो कारण हमारे दर्शकों को। देखो, जब तक मैं आम आदमी पार्टी में था उस टाइम भी मैंने सनातन के लिए आवाज उठाई और पूरी बुलंदी से उठाई। आप मेरी फेसबुक पे चेक कर सकते हो, मैंने शुरू से सनातन के लिए आवाज उठाई है और मेरा राजनीति में आने का एकमात्र एक उद्देश्य है जनता की सेवा करना और सनातन को आगे बढ़ाना। पार्टी छोड़ने का मेरा ये कारण है, मेरे पूज्य गुरुदेव हैं बागेश्वर धाम सरकार, वो कुरुक्षेत्र में आए थे, उन्होंने एक कथा की थी, मैं भी वहीं साथ था। हमारी आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने उनके और उनके पिताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी की, जो मेरे से सहन नहीं हुई। जिस संत की मैं मेरे घर में पूजा होती है, जिसको मैं मानता हूँ, मेरे माता पिता मानते हैं और तमाम भारत के युवा उनको देख के, उनसे सीख के, नशा छोड़ के सनातन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिन्होंने देश विदेश में सनातन का झंडा इतनी मजबूती से गाढ़ा है, मैं वो बातें नहीं सुन पाया। मैंने पार्टी के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे बात की कि भाई सुशील गुप्ता जी माफ़ी मांगे, सुबह तक अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। तो मैं ऐसे व्यक्ति के नीचे काम नहीं कर सकता था जो धर्म विरोधी हो, सनातन विरोधी हो और दुष्ट प्रवृत्ति का हो, जो संतों के बारे में गलत विचार रखता हो, क्योंकि राजनीति तो कुछ सालों से ही है, लेकिन हमारा सनातन धर्म जिसका ना कोई अंत है ना कोई आरंभ है, और बिना सनातन धर्म की इस सृष्टि की, इस मानवता की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इसलिए मैंने बीजेपी छोड़ी, आम आदमी पार्टी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन इसलिए किया, नरेंद्र मोदी जी ने सनातन का झंडा पूरे देश विदेश में बड़ा मजबूती से गाढ़ा है, उनसे प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता को पार्टी को ज्वाइन किया और सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य मैं कर रहा था और आज भी करूँगा और करता रहूँगा।